हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की सुबह हम बात करेंगे रियलमी की तरफ से काफ़ी तगड़े स्मार्टफोन की तैयारी की जा रही है, जो कि आपको सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले जो नोट की सीरीज की शुरुआत की थी रेडमी ने शुरुआत की थी, और इस नोट सीरीज को लेकर काफ़ी रेडमी आगे आ गई है। जो कि 2014 में रेडमी ने अपने नोट सीरीज की जब शुरुआत की थी, तब उससे रेडमी काफ़ी ज़्यादा आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए आज के 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा आगे रेडमी चल चुका है। अब इससे कह सकते हैं कि पूरी तरह अब रेडमी को टक्कर देने के लिए अब रियलमी भी कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। अब रियलमी वैसे भी काफी ज्यादा टक्कर दे रहा था, अब रियलमी अपने स्मार्टफोन की सीरीज में अब अपना नोट सीरीज ये भी लाने वाला है। अब कहा जा रहा सीधे सीधे रेडमी ने अपने कह सकते एनबीटी साइट पे एनबीटी पर थाईलैंड पे एक एनबीटी सर्टिफिकेशन पर इसने लिस्टिंग किया गया है मॉडल नंबर, उस मॉडल नंबर के साथ एक नाम जिक्र किया गया है जो कि रियलमी नोट 50। सीधे सीधे मॉडल नंबर इसके नाम जिक्र किया गया, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई स्मार्टफोन सीधे सीधे नाम जिक्र कर दिया गया है उसके मॉडल नंबर के साथ। तो इस स्मार्टफोन की लेकर काफी ज्यादा चर्चित में हो चुकी है कि अब स्मार्टफोन की काफी ज्यादा तैयारी कर ली गई है। अब इस स्मार्टफोन को लेकर कह सकते हैं जो कि RMX 3834 मॉडल नंबर के साथ और रियलमी नोट 50 नाम की जिक्र कर दी है। अब रियलमी अपने नोट 50 सीरीज को अब लाना स्टार्ट कर देगी और नंबर बाय नंबर सीरीज इस स्मार्टफोन को लाएगी। अब कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन में जब रियलमी नोट 50 सीरीज लाया जाएगा तो इसमें केवल 4G ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, अभी 5G की कोई प्लानिंग इसमें देखने को नहीं मिली है। आने वाले समय में आगे कह सकते हैं कि 5G ही स्मार्टफोन में होंगे, बट अभी जो स्मार्टफोन की शुरुआत की जा रही है 4G के साथ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में रियलमी हो सके क्या हो सकता है ऐसा ही कोई स्मार्टफोन हो सकता है जो नोट सीरीज का रियलमी स्टार्ट करिए, क्या इसको लेकर रियलमी काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकती है? इसका कमेंट्स करके जरूर बताइए। क्या हो सकता है कि या रियलमी अपने रेडमी का प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह नकल करने के लिए आ चुकी है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि अपना कमेंट बॉक्स में कि क्या लगता है। मेरा मानना यह है कि आप स्पेसिफिकेशन अच्छा दीजिए, फीचर अच्छा दीजिए, प्राइस अच्छा दीजिए, तो आपका स्मार्टफोन कितना ही क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, आपका अच्छा स्मार्टफोन आप चलेगा ही चलेगा। तो और वैसे भी आप कितने भी बढ़िया और कितने भी बढ़िया नाम क्यों ना रख ले फोन का, लेकिन आप नहीं मानते हैं कि स्मार्टफोन की इस तरह नाम की वजह से कहीं स्मार्टफोन देखने को मिलेगी। और कहा जा रहा है इस स्मार्टफोन में आपको 4988 की बैटरी वगैरह देखने को मिल रही है। फिलहाल यानी कि लगभग 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 4890 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। TÜV रिहेलेंट सर्टिफिकेट सामने भी आ चुका है। अब इसके लेकर बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को पूरी तरह लो बजट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो सो गाइस, आप कमेंट्स करिएगा इस 5G के समय में क्या 4G वाला स्मार्टफोन और नोट सीरीज क्या रियलमी का चलेगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।